लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज निकालते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों। राजधानी के आईटी हब नेहरू प्लेस में गुरुवार यानी कल शाम को आग लग गई। अचानक धुएं के गुब्बार उठने लगे तो मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। लोग घबराकर इधर उधर भी भाग रहे थे। इस मामले की खबर पुलिस के अलावा दमकल विभाग को भी दी गई, जिसके बाद खबर मिलते ही पुलिस के अलावा दमकल की 10 गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे खबर मिली कि जेडोर हाउस दुकान नंबर 104 में आग लग गई और यहां विनीत कटारिया नाम के शख्स का कपड़े का शोरूम और गोदाम था और ये शोरूम फर्स्ट फ्लोर पर था। देखते ही देखते यहां धुआं पूरी मार्केट में फैल गया और कई मंजिल ऊंची इमारत को एहतियात के तौर पर खाली करवा लिया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जहां पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। करीब 45 मिनट के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि बिजली के बोर्ड में चिंगारी निकलने की वजह से आग लगी है। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि आग के सही कारणों का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है। गाजियाबाद के इंद्रपुरम थाना एरिया के बुर चौक पर शुक्रवार यानी आज सुबह एक भीषण हादसे में एक कांस्टेबल की मौत हो गई। खबर की मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच भी शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 8 बजे बाइक से ड्यूटी आ रहे कांस्टेबल सुनील कुमार को नगर निगम के एक ट्रक ने टक्कर मार दी और इस हादसे में घायल कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही बताया जा रहा है कि कांस्टेबल सुनील कुमार PRV 2156 पर ड्राइवर के रूप में काम करते थे। पुलिस ने नगर निगम के ट्रक को कब्जे में ले लिया है तो वहीं ट्रक ड्राइवर भी फरार है। पुलिस ने घर वालों को भी इस बात की खबर दे दी है। ग्रेटर नोएडा के B2 कोतवाली के Alpha 2 सेक्टर में टाटा कंपनी के नाम से लोकल नमक बेचने का मामला सामने आया है। खबर पर कंपनी के जांच अधिकारी ने पड़ताल भी की और इसमें कंपनी के नाम से बनी नकली पॉलिथिन में लोकल नमक मिलने की धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। फर्जीवाड़ा करके नमक सप्लाई करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस स्टोर संचालक विकास को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के वजीरपुर के रहने वाले अजीत कुमार ने बताया कि वो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पोस्ट पर काम करते हैं। कंपनी को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अपने प्रोडक्ट टाटा नमक टेस्ट और नकली मिलने पर कानूनी कार्रवाई कराने का अधिकार दिया है। मंगलवार को वो साथी संजय कुमार के साथ ग्रेटर नोएडा में प्रोडक्ट्स की जांच करने आए थे और इसी दौरान Alpha 2 के सेक्टर में कालिका ग्रोसरी स्टोर पर उन्होंने टाटा नमक के नाम से बिकने वाले नमक के नकली पैकेट पाए और इस पर उन्होंने B2 के कोतवाली में कॉपीराइट एक्ट 63, 65 और IPC की धारा 420 के अंतर्गत केस दर्ज करा दिया है। तो वहीं अजीत कुमार ने यह भी बताया कि पुलिस से नकली पैकेट में लोकल नमक की सप्लाई करने वालों की पहचान और उन पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम उच्च अधिकारी शुक्रवार यानी आज दिन में एक उच्च स्तरीय मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग का एजेंडा स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा और ताज़ा मिले आतंकी अलर्ट को लेकर है। खबर सामने आ रही कि खालिस्तानी आतंकी पुलिस के भेष में लाल किले पर हमला भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार उन्हें ताज़ा अलर्ट मिला है कि कुछ असामाजिक तत्व और खालिस्तानी विचारधारा के लोग दिल्ली पुलिस के रूप में लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं और इसके साथ ही दिल्ली के धार्मिक जगहों पर भी कानून सिचुएशन बिगाड़ने की भी कोशिश हो सकती है। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी, किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट्स। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल्स से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट
9703-939-436, 9063-383760.